दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति में कृष्ण और कंस की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कलियुग की राजनीति में कृष्ण और कंस का क्या काम? यह जानने के लिए हमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बजट सेशन की समाप्ति पर दिया गया भाषण देखना होगा, जिसमें शांत स्वभाव के उद्धव ठाकरे ने कह दिया, अगर सत्ता पाने की लालच में बीजेपी ने उन्हें जेल भेजना चाहती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस यानी बीजेपी का खात्मा जरूर करेंगे। उद्धव ठाकरे कोई योगी आदित्यनाथ की तरह नेता तो है नहीं कि जो मन में आए अंट संट बोल दिया। वो अधिकतम समय काम में व्यस्त रहते हैं और जो कहना हो सोच समझ कर कहते हैं। ऐसे में प्रश्न ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे को ऐसा कड़ा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके दो वरिष्ठ मंत्री जेल के अंदर हैं। पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख को फंसाया गया, इसके बाद नवाब मलिक को जेल भेज दिया गया। इन दोनों का संबंध शिवसेना से नहीं एनसीपी से है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने ये वक्तव्य देकर गठबंधन धर्म निभाया। इसका दूसरा कारण यह है कि खुद ठाकरे परिवार पर भी अब ईडी ने हाथ डालना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार केवल महाराष्ट्र में है? दूसरे राज्यों के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी भाजपा वालों पर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता? जबकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ दस्तावेज इस उम्मीद में प्रधानमंत्री को भेजे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का दावा करने वाली सरकार उनके विरुद्ध एक्शन लेगी, लेकिन उनके हाथ निराशा ही आई। फडणवीस सरकार के खिलाफ 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप संजय राउत पहले ही लगा चुके हैं। ठाकरे सरकार ने दो मामलों में फडणवीस को अभी तक घेरा है। एक योजना जलयुक्त शिवार है, इसमें वित्तीय और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो घपले मिल रहे हैं। दूसरा मामला फोन टेपिंग का है, जो ज्यादा सीरियस है। इस मामले में फडणवीस पर केस दर्ज करके मुंबई पुलिस ने उनके सरकारी बंगले पर जाकर बयान ले लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर खुफिया विभाग का डेटा बाहर कैसे आया। फोन टेपिंग के मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को भी जो है वो उनका भी बयान दर्ज किया गया है और उन पर गैर कानूनी तरीके से फोन टेप करने का आरोप है। फडणवीस के अलावा किरीट सोमैया भाजपा के एक जो है वो प्रसिद्ध नेता हैं। उनके और उनके बेटे नील सोमैया के पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वाधवान से गहरे संबंध सामने आए हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर आर्यन खान के अपहरण और फिरौती मामले में मास्टरमाइंड होने का आरोप भी लगा था। मोहित के सांताक्रूज स्थित फ्लैटों में अवैध कामों को लेकर बीएमसी ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे से सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत यानी जो उन्होंने आत्महत्या की थी, इस मामले में मालोनी पुलिस ने 9 घंटे तक पूछताछ की है। किसी तथ्य के बिना ही राणे पिता पुत्र ने आत्महत्या से पहले दिशा के साथ बलात्कार की बात कह दी थी और इस पर दिशा के माता पिता ने भी आपत्ति जताई थी। नारायण राणे एक समय में शिवसेना के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और अब घूम फिर कर भाजपा में आ गए हैं। किरीट सोमैया ने उस जमाने में जबकि वो कांग्रेस में थे उनकी 7 कंपनियों का कच्चा चिट्ठा ईडी को सौंपा था, जिस पर जांच भी शुरू हो गई थी, लेकिन 2019 में उनके बीजेपी में शामिल होते ही हर कोई जो है उस मामले को भूल गया। तो इस तरह से अब मसला ये है कि किरीट सोमैया ने जो आरोप नारायण राणे पे लगाए थे, अगर वो गलत थे तो किरीट सोमैया पे एक्शन होना चाहिए,
और अगर वो आरोप सही थे तो नारायण राणे पर एक्शन होना चाहिए। अब ये दोनों लोग बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, जो ईडी है, उसके इशारों पर चलने वाली, उनमें से इनमें से एक पर जो है वो कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया है। किरीट ने ही राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह पर भी पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार द्वारा 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया था। लेकिन 2016 में जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे उस समय उनको सारे आरोपों से बरी करवा दिया गया और उसके बाद उन्होंने भाजपा में शरण ले ली और जो है वो भाजपा उनके सारे गुनाह, उनके सारे पाप भूल गई। लेकिन आघाड़ी सरकार को अब तक वो सब याद है और उसने उस मामले में भी जो है वो जांच शुरू करवा दी है। विधानसभा में तो विपक्ष के नेता फडणवीस हैं, परंतु विधान परिषद में परवीन दरेकर हैं। वो पहले मानस से, यानी जो है वो नव निर्माण सेना जो है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, उसमें थे। उस समय बीजेपी ने उन पर मुंबई बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। बीजेपी तो उसे भी भूल गई, परंतु विकास आघाड़ी को याद है। दरेकर ने मुंबई बैंक में फर्जी मजदूर बनकर चुनाव लड़ा और डायरेक्टर अध्यक्ष पद पर कई सालों तक जमे रहे। इस दौरान करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, पुलिस उसकी जांच कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के सारे भाजपा के बड़े नेता को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। यही कारण है कि भाजपा अपने लोगों को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है ताकि लेन देन करके अपने लोगों को जेल जाने से बचा सके। इस कोशिश में जब उसने एनसीपी से आगे बढ़कर ठाकरे पर हाथ डालने की कोशिश की तो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर बैठी और खुद ठाकरे को ये कहना पड़ा कि अगर सत्ता पाने की लालच में बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। लेकिन वो कृष्ण के रूप में जन्म लेकर कंस का खात्मा जरूर करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भाजपा जिस आग से खेल रही है उससे सेना के तीर कमान या एनसीपी की घड़ी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर कमल टूट फूट कर बिखर जाएगा। इसलिए भाजपा को इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। हाँ तो दोस्तों, ये थे हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ, नई समीक्षा के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।